नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च पर राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्था के स्पार्क विंग का आयोजन। दिल्ली के कालकाजी में नवनिर्मित दिव्य अनुभूति भवन का उद्घाटन। बापू भवन कालकाजी का भी गोल्डन जुबली समारोह। पावर ऑफ पीस प्रदर्शनी बस द्वारा सेवाएं जोरों पर। स्कूल कॉलेज और गांवों में मूल्यनिष्ठ शिक्षा और राजयोग मेडिटेशन का संदेश। और बुलेटिन में होंगी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड वाटर डे और आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आध्यात्मिकता अब वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय होना चाहिए। इस विचार पर चिंतन मंथन करने के लिए गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर स्पार्क विंग द्वारा स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अंगोला के मंत्री सलाहकार माननीय जोआकिम फिलिप, गुरुग्राम की स्टारिक्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एमएम गोयल, डीआरडीओ में डीआईपीआर के निदेशक डॉक्टर रामचंद्रन, आईएनएमएएस के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रजमोहन, प्रभाग की अध्यक्षा बी के अंबिका, ओआरसी की निदेशिका बी के आशा मुख्य रूप से शामिल रहे। रिफाइनमेंट ऑफ थॉट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आज हम प्रैक्टिकली देखें, अंदर कोई आत्मा है वो सब जानते हैं भारतवासी, पर चलते हम शरीर मान के। अब देखिए, कोई ड्राइवर हो और कार हो, और ड्राइवर भूल कर कार मान के चलने लग जाए तो कार कितनी देर बिना एक्सीडेंट के चलेगी। तो जब हम शरीर मानते हैं, अर्थात मेरे को मैं मानते हैं, फिजिकल बीइंग को सेल्फ मानते हैं, तो पांच गड़बड़े पैदा हो जाती हैं। तो सारी गीता उन गड़बड़ों के को ही समझाती है, जो हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा, वो पांच गड़बड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। वो बॉडी कॉन्शियस व्यक्ति होगा उसमें जरूर होंगी, और ये पांच गड़बड़े ही पांच प्रकार का वायलेंस या वायलेशन है, मर्यादाओं का उल्लंघन है। स्वर्णिम भारत तो था ही 5000 BC में, तो उसी को रीइन्वेंट करना है। रीइन्वेंट करने के लिए क्या आयाम हो सकते हैं, क्या हमारी मेथोडोलॉजी हो सकती है, क्या हमारा रिसर्च हो सकता है, इसको देखना है। Spirituality is nothing but shifting consciousness to my eternal truth. That is, what am I, who am I in reality? अगर इस बात की ओर हमारी total focus रहे, क्योंकि ये conscious अभी material level पे shift हो गया, physical level पे shift हो गया, we think we are all human beings with a human body. We have totally forgotten the master inside to heal myself inside. सम्मेलन का अंत अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट करने और कुछ देर मेडिटेशन करने के साथ हुआ। दिल्ली के कालकाजी में हजारों लोगों की उपस्थिति में नवनिर्मित दिव्य अनुभूति भवन का उद्घाटन, बापू भवन कालकाजी सेवा केंद्र की गोल्डन जुबली और राजयोगिनी बी के प्रभा का 75वां सालगिरह समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस खुशी के मौके पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रजमोहन, रामानुजन कॉलेज के डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल डॉक्टर SP अग्रवाल, कालका पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू मेहरोत्रा, धरोहर NGO के चेयरपर्सन रेखा गोयल समेत पूरे दिल्ली जोन की वरिष्ठ बी के बहनें उपस्थित रहीं और अपने शुभकामना संदेश दिए। देने में विश्वास करें, गिविंग, कुछ भी दे, आप ऐसा ना समझे कि पैसा देना या वस्तु देना ही गिविंग है। बहुत तरह की आप जो नॉलेज, जो आपका ज्ञान या कुछ भी आप कर सकते हैं वो दें। इससे ऊपर आप देखिए, आप बहुत, जो प्रभा दीदी ने कहा, हैप्पीनेस और वो सब चीज आपको मिलेगी। हम सबका जन्म ज्ञान से होता है, लेकिन हम सबकी पालना रूहानी प्यार से होती है, शक्ति से होती है, उमंग उत्साह से होती है, हिम्मत से होती है। और आज सारे ब्राह्मण परिवार ने जो एक दूसरे को इतना दिल से इन चीजों से पालना दी है, उसका स्वरूप हम देख रहे हैं।
युवा प्रभाग और अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र द्वारा निकाली गई पावर ऑफ पीस प्रदर्शनी वैन द्वारा सेवाएं लगातार चालू है। इस प्रदर्शनी वैन द्वारा अहमदाबाद के वाहेलाल क्षेत्र में कई स्कूलों, गांवों और संस्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के जिला सचिव महेंद्र भाई पटेल मुख्य तौर पर शामिल हुए और संस्था के प्रयासों की सराहना की। इन कार्यक्रमों के दौरान वाहेलाल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आरती समेत बीके वीनू, बीके मनीषा, बीके विवेक, बीके गीता ने लोगों को राजयोग मेडिटेशन द्वारा जागृत होने वाली आंतरिक शक्तियों और मूलिनी शिक्षा द्वारा दिव्य गुणों के विकास की जानकारी दी और राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिकल अनुभव भी कराया। असम के डिब्रूगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई कार एवं मोटरसाइकिल रैली का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नामरूप शहर के डीएसपी नाबा कुमार बोरा, जिला सड़क सुरक्षा जागरूकता कमेटी के सदस्य रतन हजारिका, डिब्रूगढ़ की प्रभारी बीके बिनीता मुख्य रूप से उपस्थित रहे और सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सावधानियां बताई। सरकार और डब्ल्यूएचओ द्वारा जागरूकता के लिए चयनित किए गए विशेष दिनों को लेकर ब्रह्म कुमारी संस्था काफी संजीदा है। इसी के चलते वर्ल्ड वाटर डे और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चलिए दिखाते हैं उनकी कुछ तस्वीरें। अब दिखाते हैं कुछ खबरें आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत आयोजित हुए कार्यक्रमों की। फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन। अब कुछ खबरें एक नजर में। ओडिशा के भद्रक में ओडिशा के राज्यपाल महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल ने बीके मंजू को किया सम्मानित, समाज में आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रदान किया सम्मान। भद्रक सेवा केंद्र के प्रभारी है बीके मंजू। मुंबई के कल्याण स्थित शाहपुर तालुका में लगे वटलेश्वर मेले में ब्रह्म कुमारी द्वारा लगाई गई साइंस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन
सेंस स्किन रिस्पॉन्स स्ट्रेस चेकर रहा आकर्षण का केंद्र। बड़ी संख्या में लोगों ने किया एग्जीबिशन का अवलोकन। भरूच के झाड़ेश्वर स्थित अनुभूति धाम सेवा केंद्र पर महिलाओं के लिए सम्मेलन, महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक रही सम्मेलन की थीम। अहमदाबाद के अंबावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा रही मुख्य वक्ता। जिला पंचायत सदस्य शैलाबेन पटेल समेत सम्मेलन में शामिल रही कई चर्चित महिलाएं। भरूच सब जोन प्रभारी बीके प्रतिभा के मार्गदर्शन में आयोजित था सम्मेलन। नेपाल के वीरगंज में जीतपुर उप सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम। पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। वीरगंज क्षेत्रीय प्रभारी बीके रवीना ने राजयोग मेडिटेशन की बताई उपयोगिता। मंत्री जितेंद्र सोनल ने चारित्रिक उत्थान द्वारा सुंदर समाज की स्थापना की कही बात। बीके गोकुल और बीके मेया ने लोगों को किया संबोधित। इंदौर के ओम शांति भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सर्वधर्म सम्मेलन श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना में सर्वधर्म का योगदान रहा चर्चा का विषय। इंदौर जोन प्रभारी बीके आरती और धार्मिक प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके नारायण ने धर्म की धारणा को मजबूती से पकड़े रहने की कही बात। अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों ने समाज कल्याण में सभी धर्मों के योगदान का किया जोरदार समर्थन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर संगीत संध्या स्नेह मिलन का आयोजन। छोटे बड़े और बुजुर्गों ने दिखाया अपना हुनर। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने कला का विकास करने के लिए रोजाना मेडिटेशन करने की कही बात। विवेकानंद स्कूल के प्राचार्य स्वामी तन्मयानंद जी ने की ब्रह्मकुमारी संस्था के सराहना और गाया एक सुंदर गीत। दिल्ली पश्चिम विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मोनिका को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आशा प्रतिष्ठा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सम्मान समारोह में मिला बीके मोनिका को यह सम्मान। आदिवासी क्षेत्र में की गई सामाजिक सेवाओं के लिए किया गया चयनित। जमशेदपुर के जुगसलाई में सत्यनारायण की सच्ची कथा का आयोजन। कोलहाल मंडल की प्रभारी बीके अंजू रही मुख्य वक्ता। कथा सुनने के साथ श्री नारायण जी के जीवन चरित्र से गुणों को धारण करने का किया आह्वान। सैकड़ों लोगों ने लिया इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।